welcome back to my channel. So here we are with another amazing video. I hope you all are doing good. So caption से तो आप लोगों को हमेशा पता लग ही जाता है कि ये किसके बारे में है. और ये वीडियो लोगों ने इतने बार पूछा है कि आप प्लीज आइटिनरी बता दो जॉर्जिया की. हम लोग ने ए टू जेड सब बता दिया था, हाउ टू अप्लाई फॉर वीजा, कितना हमारा बजट था, सब कुछ हमने वीडियो बनाई हुई है इस पर. लेकिन आइटिनरी की नहीं बनाई कि हम लोग कितने दिन वहाँ पे रुके थे और कहाँ कहाँ गए थे. अभी लगभग 4 महीने हो गए हमें जॉर्जिया से आए हुए और हमने आइटिनरी अभी तक शेयर नहीं करी थी. हम अप्रोक्सीमेटली अप्रैल की स्टार्टिंग में गए थे, नहीं मिड में गए थे, मिड में गए थे हम. और अभी हमें टाइम मिला तो हम अभी आइटिनरी बना रहे हैं. बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे तो उनका आंसर करने की हम कोशिश कर रहे हैं. हम लोग ने आइटिनरी बनाई थी वियतनाम की और वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है, उसमें लगभग 1 लाख व्यूज होने वाले. और इतने सारे उसमें कमेंट्स हैं, जितने भी डाउट थे सबके हमने आंसर दिए हैं. और हमने सिर्फ वियतनाम का नहीं बनाया, हमने बहुत सारी जगह का बनाया है. लाइक मेघालय हम लोग गए थे, मेघालय गए थे, इसके अलावा टर्की, थाईलैंड, वियतनाम और अब जॉर्जिया का भी बना रहे हैं. बहुत सारे मैंने आइटिनरीज बनाई हुई हैं और नीचे मैं सबके लिंक दे दूंगी. आप लोग को कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप जाके कमेंट करना या इंस्टा पे मुझे अप्रोच कर लेना, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ. सो यस, विदाउट एनी डिले हम लोग को शायद स्टार्ट कर देना चाहिए. जॉर्जिया में हमें लगभग 7 दिन का हमने ट्रिप बनाया था और 7 दिन में हमने जो जो सिटीज़ जो गए थे वहाँ सभी की हम आगे जाके वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे. और आई थिंक 7 डे सफिशेंट है और मैक्सिमम 10 दिन आप लगा लो कि 10 दिन में आप पूरा का पूरा जॉर्जिया कवर कर सकते, पूरा कंट्री कवर हो सकता है इजीली. आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हो. अगर आपको 5 दिन जाना है, 7 दिन, 10 दिन, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको लास्ट में बता भी देंगे कहाँ कहाँ आप जा सकते हो. सो जितना बड़ा राजस्थान है हमारा उतना ही लगभग बड़ा जॉर्जिया भी है और पॉपुलेशन तो बहुत ही कम है. आई थिंक 40 लाख है, बहुत ही कम है एकदम. हाँ, 4 मिलियन और बहुत ही खाली खाली से लगता है, जो कि बहुत ही पीसफुल है. एंड यस, आपको अगर हिल्स जाना है 2 घंटे की दूरी में, अगर आपको बीच जाना है 4 घंटे की दूरी, मतलब सब कुछ पास पास ही है. अगर वाइन का विनियार्ड जाना है आपको तो वो 2 घंटे की दूरी में है, तो आपको सब कुछ कवर हो जाता है. और जो सराउंडिंग स्टेट्स है, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, आप लोग यहाँ पे भी जा सकते हो. और यस, वहाँ से बहुत इजीली अप्रोचेबल है जगह. ज़्यादातर जितनी भी साथ साथ की कंट्रीज हैं, लोग कोई भी जाता है तो वो जॉर्जिया की सिर्फ प्लानिंग करके नहीं जाता. बहुत सारे लोग अजरबैजान के साथ भी इसको कंबाइन करते हैं, बहुत सारे लोग टर्की के साथ भी करते हैं, क्योंकि टर्की के लिए भी बसेज जाती हैं और अजरबैजान के लिए भी बसेज जाती हैं. तो ईजिली आप 2-4 घंटे में आप कंट्री क्रॉस कर सकते हो. आर्मेनिया के लिए अगर आप बस भी लेना चाहो तो वहाँ पर शटल्स चलती हैं, जो कि 1500 रुपये के करीब खर्चा आता है. पर जितने भी आप कहीं किसी भी कंट्री में जाओगे उसके लिए अलग अलग इंडियंस को तो स्पेशली वीज़ा की रिक्वायरमेंट रहती है. और बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट था जब हमने जॉर्जिया लिखा था, लोगों को लग रहा था कि हम यूएस जा रहे हैं, जो कि जॉर्जिया एक यूएस में सिटी भी है. पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जॉर्जिया एक कंट्री भी है जो कि यूरोपियन मतलब साइड में पड़ती है. मुझे तो, भी नहीं पता था. हाँ, इसने जॉर्जिया बोला तो मुझे लगा कि अच्छा वहीं पर जाने में लगे बहुत दूर पड़ जाएगा. हाँ, इसने बोला कि नहीं, जॉर्जिया जो अलग से कंट्री है और हमारे यहाँ से 4-5 घंटे का ही है. हाँ, क्योंकि बचपन में मैंने जॉर्जिया के बारे में सुना था, क्योंकि उस टाइम पे इसके लिए बताते थे कि फील्ड्स में वहाँ पे खेत काफ़ी हैं, बहुत सारे पंजाबी लोग के वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं. तो तब मुझे जॉर्जिया का थोड़ा पता था. तो उसके बाद हमारी प्लानिंग होगी कि हम जॉर्जिया जाएंगे. तो जब भी हम किसी कंट्री में जाते हैं तो हमें थोड़ा सा उसकी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए कि उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पड़ती है, कहाँ पर हम जा सकते हैं, कितना कोई क्या डिस्टेंस है. तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, आप यहीं पे इंडिया में ही पहले उस कंट्री का मैप आप डाउनलोड कर लो. गूगल में ऑलरेडी ऑप्शन होता है मैप डाउनलोड करने का, तो उस कंट्री का आप स्पेसिफिकली मैप डाउनलोड करो. ऐसा नहीं कि 2-4 महीने पहले ही कर लो, थोड़े टाइम लेटेस्टली करो, क्योंकि उसके हिसाब से अपडेटेड आपको मैप मिल जाता है. अगर आपका इंटरनेट नहीं भी चल रहा होगा तब भी आपका मैप काम आएगा, इजीली चल जाएगा. अब बात करते हैं कि लोकेशन का थोड़ा, कि मेन लोकेशंस कौन सी होती हैं उस जगह की. वो जब भी आप कोई भी मैप खोलोगे तो हाईलाइटेड बड़े बोल्ड में लिखा होता है, तो वही मेन सिटीज होती हैं. तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल से बात कर लेते हैं. मेन सेंटर हमारा है तिब्लिसी. मैं स्क्रीन में आपको दिखा देती हूँ, उसमें ज़्यादा आपको पता लग जाएगा. तो मैप में आप जैसे देख रहे हो मेन जो कैपिटल है दैट इज तिब्लिसी. तिब्लिसी से साइड में अगर आप देखोगे राइट साइड तो मेन सिटी है तिलावी एंड खकेती. एंड आपको यहाँ पे वाइनरी पूरा मिल जाएगा और मेन चर्चेज जो है वहाँ पे सारी मिल जाएंगी. और यहाँ से आप डे टूर भी ले सकते हो और अगर आपको स्टे करना है वो भी कर सकते हो. तो यहाँ से लगभग 2 से 3 घंटा लगता है जाने में और बहुत सुंदर जगह है, आप लोग विजिट कर सकते हो. फिर नेक्स्ट है, अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे पड़ता है हमारा काजवेगी, जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है रशिया का. वहाँ से आपको बहुत ही सुंदर माउंटेन्स मिल जाएंगे.
ओके आप तिबलिसी से अगर लेफ्ट साइड जाओगे वेस्ट साइड तो आपको गौरी पड़ेगा, 1 घंटे की दूरी में है, आप लोग वहाँ पे डे ट्रिप कर सकते हो बहुत इजीली। एंड नेक्स्ट है तिबलिसी से अगर आपको कुतैसी जाना है तो 4 घंटे का रास्ता है, जॉर्जियन रेलवे जाती है वहाँ तक। और अगर उसके आगे आपको जाना है बटूमी तो कुतैसी से 1 घंटे की दूरी में है बटूमी, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। इफ़ यू वांट टू स्किप कुतैसी लाइक अस यू कैन गो फ्रॉम तिबलिसी टू बटूमी डायरेक्टली जो 5 घंटे का रास्ता है। इंडिया टू जॉर्जिया लिमिटेड फ्लाइट्स हैं और हम करीब 12:30 बजे के करीब जॉर्जिया में लैंड हो गए थे। अराउंड 40 to 50 मिनट्स हमें लगे थे होटल पहुंचने में क्योंकि एयरपोर्ट हमेशा ही थोड़ा सा दूर रहता है। और उसके बाद हमने रेस्ट किया और अगले दिन जो हम जगह जगह घूमे मॉर्निंग में, मेन हमारा अगले दिन था कि जितना तिबलिसी में हो सके उतना हम घूम लें क्योंकि रात की हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ट्रेन थी। तो हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग ही फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे हम लोग ने कौन कौन सी जगह घूमी वो अब बताएंगे निशांक। तो सुबह हम रेडी होके हम निकल गए तिबलिसी घूमने के लिए और तिबलिसी में सबसे पहले हमने जो जाना था, हमारे जो मेन डेस्टिनेशन हमें लग रही थी वो थी ब्रिज ऑफ पीस। और बहुत ही सुंदर है ब्रिज ऑफ पीस, आप देखोगे तो आपको बहुत ही एक आर्किटेक्चरल आपको बढ़िया लगेगा। और दूसरा क्या है, उसके नीचे से जो रिवर जाती है वो भी बहुत अच्छी है और वहाँ पर बोटिंग भी होती है, हालांकि हमने बोटिंग करी नहीं है, पर वहाँ पे आसपास आप सराउंडिंग में घूमोगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वहीं से एक एरियल ट्रैमवे भी चलती है, उस एरियल ट्रैमवे को भी आप ज़रूर एक्सप्लोर करना क्योंकि जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो आप देखोगे आपको जॉर्जिया को तिबलिसी स्पेशली तिबलिसी पूरा का पूरा आपको दिखेगा कि दिखता कैसा। और वाकई बहुत ही सुंदर तिबलिसी दिखता है जब आप ट्रैमवे से ऊपर जाते हो। ऊपर ट्रैमवे पे जाने के लिए एक स्पेशल एक रीज़न भी है, उस वो रीज़न क्या है कि आप वहाँ पर नारकला फोर्ट जा सकते हो जो कि जब हम गए थे तो उस टाइम पे उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो वो क्लोज था, हालांकि अभी हो सकता है कि वो सही हो गया, उसके टाइम उस टाइम पे उसकी मेंटेनेंस का काम हो रहा था। तो इसके बाद नारकला फोर्ट के जस्ट पास ही बोटैनिकल गार्डन भी है जहाँ पर आप घूम सकते हो, हालांकि वहाँ पर भी नहीं घूमोगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया है और आप जितना एरिया घूमोगे वो थक जाओगे, पर ऊपर से आप देख सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है, जब भी आप ऊपर पहुँच जाते हो तो आपको पूरी की पूरी तिबलिसी सिटी दिखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। अब जैसे ही आप साथ साथ उसमें एक रास्ता जाता है तो वहाँ से आपको दिखेगी एक बहुत बड़ी एक मूर्ति बनी हुई है जो कि मदर ऑफ जॉर्जिया जिसको बोलते हैं। और मदर ऑफ जॉर्जिया में क्या है, उनके एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में वाइन का ग्लास है क्योंकि वाइन वहाँ पर बहुत ज़्यादा पीते हैं लोग, और जो तलवार है उसका भी एक सिम्बोलिक साइन है। जस्ट मतलब कि आपको बता दें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि उसमें मदर ऑफ जॉर्जिया में वो कहना क्या चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पर आए हो एज ए फ्रेंड गुड गेस्टर तो आपको वाइन दी जाएगी, अगर आपका कोई इरादा अच्छा नहीं है हमारे लिए तो हमारे पास तलवार भी है। तो मदर ऑफ जॉर्जिया बेसिकली उसका साइन है। तो ये हमारा था फर्स्ट डे टूर। और इसके बाद हमने जॉर्जियन रेलवे से हमने ट्रेन टिकट बुक करी थी और ट्रेन टिकट बुक करके हम बटूमी चले गए। ओके सो फर्स्ट डे हमारा सारा तिबलिसी का था और रात को हमारी 12:30 बजे ट्रेन थी जॉर्जियन रेलवे की से, तो हम लोग वहाँ से गए थे बटूमी और हम लोग 10 बजे अपने होटल से निकल गए थे रात के क्योंकि हम लोग को रेलवे स्टेशन जाना था, वहीं से हमने अपने आप ही टिकट ले ली थी। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे मैंने एक वीडियो लिंक कर दी है, आप वहाँ पर जाके देख लेना, सारी इन्फॉर्मेशन है, टिकट्स आप कहाँ से कर सकते हो। और डायरेक्टली हम लोग ने तो वहीं से लिया था, रेलवे स्टेशन से लिया था, तो आप भी ले सकते हो। और 12:30 बजे चलती है टू बटूमी, रोज़ चलती है और आपको सुबह 5:30-6 बजे बटूमी पहुंचा देती है। अगर आपको कुतैसी रुकना है तो 1 घंटे पहले 4 बजे कुतैसी भी उतार देती है। ट्रेन से इतनी अच्छी हम लोग आराम से रेस्ट करके गए थे पूरा सो के, क्योंकि हमें पता था कि हम लोग 5:30 बजे पहुंच जाएंगे और हम लोग को होटल में चेक इन नहीं मिलेगा क्योंकि जनरली इंडिया में 11 बजे मिल जाता है और बाहर 2 बजे तक ही मिलता है। तो हम लोग फुल्ली प्रिपेयर थे, हम लोग पहुंचे अपने होटल 6:30-6 बजे पहुंच गए थे मॉर्निंग में, सामान हमने रख दिया था। और बहुत ही लाइवली सिटी है बटूमी, एकदम ऐसा लगता है लास वेगास में आ गए हैं। इसको बोलते भी हैं कि ये मिनी लास वेगास है और अभी भी ये डेवलपिंग सिटी है। और यहाँ पर सबसे अच्छी है कि एक तो स्काई स्क्रैपर्स बहुत ही, साथ में बीच साइड है, और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर जितने भी हैं अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं जो कि इजीली रेंट पे आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी आप टाइम रहना चाहो वो आप रह सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर लोग मोस्टली कसिनोज के लिए भी आते हैं क्योंकि ये कसिनो वहाँ पे लीगलाइज्ड है, तो इसलिए भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, तो पार्टीज़ के लिए और घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। सामान रख के 6:30 बजे हम लोग निकल गए थे थोड़ा वॉक करने के लिए, वहाँ पे जस्ट पास में ही बॉलीवुड एरिया पूरा बना हुआ है वॉकिंग डिस्टेंस के लिए, फॉर लोग सुबह सुबह वहाँ पे अपने डॉग को लेके जाते हैं, कैट्स को लेके जाते हैं। बीच साइड एरिया है पूरा, ब्लैक सी पड़ता है और बॉर्डर भी पड़ता है टर्की का, बटूमी से बहुत ही पास में है, आप मैप में देख सकते हो। तो हम लोग थोड़ा सा वॉक किया हम लोग ने, फिर
सबवे में हम लोग ने थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद हम लोग 10-11 बजे आ गए थे। थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बोला ठीक है आप 12 बजे एंट्री कर लो। तो हम लोग एंट्री करने के बाद होटल में थोड़े से रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग निकले बटुमी घूमने के लिए। हमारे पास 2 दिन थे तो हम लोग निकले बाहर घूमने के लिए। हमने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद नहाने के बाद हम रेडी हो गए घूमने के लिए बटुमी। और बटुमी में सबसे पहले जो हमने आने से पहले बहुत सारी वीडियो देखी थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा आप सोचोगे कि आपने क्या देख के गए, तो एक सिर्फ मैकडोनल्ड की बिल्डिंग है जो कि बहुत ही अच्छी बनी हुई है और आर्किटेक्चर उसका बहुत ही अच्छा है और उसको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं उसी बिल्डिंग को। तो वो हमने सबसे पहले एक्सप्लोर किया, वहाँ पर हमने खाना खाया, उसके बाद हम आगे घूमने के लिए चले गए। मैकडी में इतने सारे ऑप्शंस थे, लाइक डोनट्स भी था वहाँ पे, और इतने मतलब बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस हैं जो हम लोग को इंडिया में नहीं मिलते। तो वो हम लोग ने खाया, खाते खाते हम लोग मज़े करते हैं। फिर हम लोग ने थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर किया, वॉकिंग डिस्टेंस में ही सारा आसपास ही है, आपको कैब लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप थक रहे हो तो आप ले सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग जस्ट नेक्स्ट बॉलीवुड फिर से गए शाम 4:30-5 बजे। बहुत ही मतलब रौनक रहता है वहाँ पे। तो हम लोग ने वहाँ पे स्कूटर ले लिया था जिसमें कार्ड लगा लेते हैं, कार्ड आप एप्लीकेशन उसकी नॉर्मली इंस्टॉल करो उसके बाद में कार्ड अटैच हो जाता है। हालांकि कार्ड अटैच नहीं करना चाहिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पैसे डिडक्ट भी हो गए थे, पर एक अच्छा ऑप्शन है आपको अगर घूमना है तो वहाँ पे आप बाइसाइकिल भी रेंट कर सकते हो और इसके अलावा स्कूटर भी रेंट कर सकते हो, और वहाँ पे ई रिक्शा भी जो हमारे यहाँ पे लोग चलाते हैं तो वो भी हाँ कॉस्टली है, पर वो भी लोग रेंट पे लेके अपनी पूरी फैमिली के साथ चलाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ई रिक्शा होता है और वो इंडिया के ई रिक्शा थे हमने देखे, उसमें कभी काफ़ी सारे सारथी और ये नाम भी लिखे हुए। तो हम लोग मेन बॉलीवुड से वहाँ से गए, पूरा रेंज बना हुआ है साइड साइड से, जैसे मैरीन ड्राइव है वैसे ही बना हुआ है, 4-5 किलोमीटर्स का है और स्टार्टिंग से एंड तक 4 किलोमीटर का है। एंड में आप जाओगे तो आपको वहाँ पे अली एंड नीनो का स्टैचू मिलेगा जो वर्ल्डली पूरा पॉपुलर है। सो थोड़ा सा बीच में घूमने के बाद थोड़ा सा बैठ के आराम से ब्लैक सी देखा हम लोग ने, वहाँ से स्कूटर लिया और वहाँ से हम दोनों एक ही में बैठ खड़े होके गए थे 4 किलोमीटर आगे तक गए। वहाँ पे हम लोग को अली एंड नीनू का स्टैचू देखा, फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत बड़ा जाइंट व्हील है, आप उसमें भी बैठ सकते हो, मुझे डर लगता है तो मैंने नहीं किया था। और काफ़ी चीज़ें हाँ। खाने वाने का है, आपको अगर आप बीच साइड भी कर सकते हो। में देखोगे तो आप कभी भी किसी भी बीच साइड देखोगे तो आपको एक सैंड दिखेगी, पर यहाँ पर क्या है कि पेबल्स हैं, मतलब कि स्टोन जो होते हैं पत्थर होते हैं, तो वो है। और आप अगर आप बैठोगे तो आप बैठ के आवाज़ सुनोगे तो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है, क्योंकि वो जब एक सैंड से जो साउंड आता है और पेबल से जो पत्थर से टकराते हुए जो साउंड आता है वो टोटली डिफरेंट है। और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही क्लीन एंड नीट एंड क्लीन बनाया हुआ था, हर एक फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे, पास में स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी लोगों के लिए जगह थी, साइकिलिंग के लिए भी जगह थी, और बहुत ही अच्छा लगा। ये घूमते घूमते हम लोग को लगभग 7:30-8 बज गए थे। ये आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो कैफेज़ हैं वो तो खुले रहते हैं लेकिन जो शॉप्स हैं वो 9:30-10 बजे बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग रूम पे आए थे क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी हम लोग को, तो हम लोग ने चेंज करके स्वेटर पहन के हम लोग गए थे थोड़ा सा कैफेज़ में कि कौन सा अच्छा कैफ़े है, वहाँ पर वाइन वाइन काफ़ी पॉपुलर है तो लोग रात को सब एंजॉय करते हैं वहाँ पर, एकदम मैरी गो राउंड टाइप है। तो वहाँ पर हम लोग ने अच्छा सा कैफ़े देखा, वहाँ पर आराम से हम बैठे, हम लोग ने खाया वाया। फिर सेकेंड डे हमारा बटुमी में ही था, जो कि सेकेंड डे था तो हम लोग ने थोड़ा बहुत और भी जगह घूमी। सबसे पहले हम लोग गए थे दैट इज़ यूरोप स्क्वायर, आप वहाँ पे तिब्लिसी में भी है और बटुमी में भी यूरोप स्क्वायर है, वो भी आप घूम सकते हो। बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर मतलब आर्किटेक्ट बना हुआ है वहाँ पे, बिल्डिंग्स बहुत ही प्यारी प्यारी हैं। बोटैनिकल गार्डन बीच में पड़ता, हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस से ही गए थे, पहले हम लोग बॉलीवुड से गए फिर वहाँ से निकल के हम लोग सबसे पहले हम लोग गए थे डॉल्फिनेरियम। आई थिंक वो बंद हो चुका है कि क्या कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन भी मिली नहीं, अंदर पूरा बंद हो गया था, उन्होंने बोला कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आगे खुलेगा कि नहीं आप लोग ये सब चेक करके जाना, मैं नीचे लिख भी दूंगी कि इट इज़ ओपन और नॉट। तो हम लोग को नहीं वो नहीं मिला, तो अंदर एक्वेरियम बना रखे हैं छोटे मोटे फिश के लिए, तो वो सब हम लोग देखा। उसके बाद हम वॉकिंग डिस्टेंस चलते चलते ही गए, बीच में पड़ा बोटैनिकल गार्डन, बहुत ही प्यारा सा गार्डन है बना हुआ। आप वहाँ से आगे आगे जाते रहोगे फिर आपको पड़ेगा यूरोप स्क्वायर, जो कि मैंने आपको बताया बहुत ही सुंदर बना हुआ है। फिर वहाँ से आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो आपको पड़ेगा पिज़्ज़ा स्क्वायर, वहाँ पे बहुत सारा खाने का बना हुआ है, आप वहाँ पे खा सकते हो इजीली। और यस, आर्किटेक्ट वहाँ का एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग एक जगह गए थे, यूरोपी स्क्वायर था, वहाँ पे KFC मैकडी बहुत ही सुंदर सा बना हुआ था, वहाँ पे आपको फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो, एकदम लगेगा आप यूरोप में आ गए हो। सो दूसरे दिन हम लोग घूमते घामते हम लोग को 2:30 या 3
ओ'क्लॉक पीएम हो गया था शाम के, और हमारी ट्रेन थी बैक टू तिबलिसी। हमने इसे नेक्स्ट डे का कराया था क्योंकि बटूमी में ज़्यादा जगह नहीं है एक्सप्लोर करने का, थोड़ा बहुत ही है, तो आप लोग एक दिन सफिशेंट रख सकते हो जैसे हमने रखा था। और जो बैक की जो ट्रेन है बटूमी से टू तिबलिसी वो 5 बजे चलती है, 5:30 बजे, तो आप वो ले सकते हो। हम लोग 4 बजे फ्री होके वहाँ से हम लोग चले गए थे रेलवे स्टेशन बटूमी के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 15 से 20 मिनट लगते हैं कैब से। तो वहाँ पे जाके हम लोग 5:30 बजे बैठ गए थे और वहाँ बटूमी में, एंड फिर हम लोग तिबलिसी पहुँच गए थे रात के 10:30-11 बजे पहुँच गए थे। फोर्थ डे स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे हम बटूमी से तिबलिसी आ चुके हैं, और तिबलिसी आने के बाद हमने सबसे पहले तो क्या किया कि एक ट्रिप बना लिया जो कि हमें डिसाइड कर लिया, जो हमारा डिसाइडेड नहीं था उस दिन में कि हमें काजबेगी रुकना है या नहीं रुकना है, और इसके अलावा खखेती रुकना है या नहीं रुकना। तो हमारी यही प्लानिंग थी कि तिबलिसी में ही हम होटल लेंगे, 1.5-2 घंटे का रास्ता है, तो हम मॉर्निंग में निकल जाया करेंगे काजबेगी के लिए और खखेती के लिए, और वापसी हम यहीं पर आ जाएंगे। और इसके अलावा फिर हमने पूरी की पूरी उस दिन पूरी की पूरी सिटी घूमी, जिसमें सिटी में हम सबसे पहले ब्रिज ऑफ पीस पड़ जाता है, उसके बाद यूरोप स्क्वायर पड़ जाता है, उसके बाद लिबर्टी स्क्वायर है, इसके अलावा रुस्ते वैली है। रुस्ते वैली बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको शॉपिंग करनी है, जितना चलते जाओ उतना आपको मजा आता है। बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, और उसके अंदर भी खाने को लेकर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। खाने की बात करें तो हम एक जोडियाक रेस्टोरेंट गए थे, इसके अलावा एक बर्गर खाया था हमने, वो भी बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था, तो ये एक अच्छे अच्छे ऑप्शन है। फोर्थ डे हम लोग ने थोड़ा सा रेस्ट वाला रखा था। अगर आप लोग को घूमना है फोर्थ डे यूटिलाइज़ करना है तो आप लोग जा सकते हो गौरी सुबह उठ के, क्योंकि वहाँ से 1-1.5 घंटे का ही रास्ता है, बस भी जाती है, आप टैक्सी भी करा सकते हो, आप रेंटल कार भी ले सकते हो, बहुत इजीली वहाँ पे जाके घूम सकते हो। गौरी में वैसे ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है, पर अगर आपको स्पेशली देखना है स्टालिन म्यूजियम है तो वहाँ पर आप जा सकते हो घूमने के, तो वो है मेन अट्रैक्शन। फोर्थ डे हम लोग ने थोड़ा सा आसपास का हम लोग को ताकि बहुत अच्छे से घूमे, वहाँ का जो भी कैफ़ेज़ है बहुत अच्छे से आराम से बैठे रिलैक्स करें, तो हम लोग का फोर्थ डे तो ऐसे निकला है, और बुकिंग में भी निकला है कि हम लोग नेक्स्ट जो 2 दिन थे उसको कैसे यूटिलाइज़ करें। तो यस, फोर्थ डे तो हमारा काफ़ी रिलैक्सिंग था, शॉपिंग की हम लोग ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया। तो फोर्थ डे ही ना हम लोग ने सारा पैकेज करवा लिया था उषबा ट्रैवल से, नीचे मैं कॉन्टैक्ट भी दे दूँगी उनका, बहुत ही अच्छे लोग हैं, और हम लोग को सस्ता भी पड़ा था, जितना पड़ता है उतना ही पड़ा था, और नीचे मैं रेट्स भी लिख दूँगी कितना हम लोग को लगा था। तो जो फर्स्ट हमारा डेस्टिनेशन था फिफ्थ डे, वो था हमारा खखेती, उसका हम लोग ने टूर करवाया था पूरा। सुबह 9:30 बजे उनकी मर्सिडीज़ वाली बस चलती है जिसमें आई थिंक 10 से 15 लोग होते हैं, एंड एक टूर गाइड होता ही होता है, वो अच्छे से पूरा समझाते हुए जाते हैं रास्ते में, एंजॉय करते हुए जाते हैं, और वहाँ पे चार्जिंग कनेक्शन सब कुछ होता है, तो आप पूरे दिन ईजिली वहाँ पर जा सकते हो। तो बैक हमारा था 5:30-6 बजे हम लोग को वापस आना था, तो ये फुल डे टूर हो जाता है, तो बैक टू तिबलिसी आप लोग आ जाते हो। तो फर्स्ट डे हमारा था खखेती में, फिफ्थ डे हमारा खखेती में था। तो रास्ते में जाते हुए 2 से 3 घंटे बाद हमारा मेन अट्रैक्शन पड़ा था, जो कि है बोर्डबे मोनेस्ट्री चर्च। जो चर्च है वाला बहुत ही सुंदर है, और उसका जो हिस्ट्री है वो भी बहुत ही अच्छा है, वो आप लोग पढ़ लेना, अभी मैं थोड़ा सा इसको लेंथी नहीं करेंगे, आप लोग जो भी है पढ़ के जाना इसके बारे में। वहाँ से बहुत ही मतलब ब्रेथ टेकिंग वहाँ से पूरा व्यू है, बहुत ही प्लांट्स इतने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं वहाँ पे। उसके बाद हम लोग गए थे ब्रेड टेस्टिंग के लिए, वहाँ पे जो हमारे तंदूर में जो बनाते हैं उसी को वो दिखाते हैं कि कैसे बनाना है, बहुत बड़ा सा बना हुआ है, बीच में आग है और उसमें ऐसे करके तंदूर जैसे हम लोग लगाते हैं वो लगाते हैं, और उसको सिर्फ चीज़ के साथ खाते हैं, तो आप उसको बनाना है वो भी कर सकते हो, और आपको खाना है तो 2 जॉर्जियन लारी में आपको मिल जाएगा, वो आप खा सकते हो, हमने भी टेस्ट किया था, सेम हमारे तंदूर जो रोटी होती है उसके जैसी थी। नेक्स्ट उसके बाद वो लेके गए थे हमें चुर्च खेला, वहाँ का फेमस ड्राई फ्रूट कैंडी बोलते हैं वो होती है, वो बनाना सिखाते हैं, एंड आप उसको ख़रीद भी सकते हो, ले भी सकते हो, वहीं पे वाइन टेस्टिंग भी करवाई थी उन लोगों ने। उसके बाद हमारा थोड़ा आधे 1 घंटे बाद हमारा पड़ा था सिग्नानी, बहुत ही सुंदर सिटी ऑफ लव बोलते हैं उसको, और सबके जो ऊपर का पूरा घर वाइट था, वहाँ पे सबके एक व्यू पॉइंट पे लेके जाते हैं, वहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है, और सबके ऊपर का जो हट टाइप है वो पूरा टेराकोटा के कलर में होता है, बहुत ही प्यारा लगता है, मैं सारा वीडियो दिखाऊंगी आपको। तो उसके बाद हम लोग सिग्नागी का पूरा सिटी टूर लिया था हम लोगों ने, एंड इसके बारे में मैंने सारा दिया है, आप प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेना। सिटी ऑफ लव घूमने के बाद हम लोग गए थे तिलावी, हमारे 3 जगह थे खखेती में, लाइक खखेती, सिग्नागी एंड तिलावी, तो ये 3 जगह थे। तो फिर हम लोग गए तिलावी, नेक्स्ट 1/2 घंटे की दूरी में था, एक बहुत ही प्यारा इतना सुंदर क्यूवेवरी होटल था,
वहाँ पे हम लोग को लेके गए, बहुत ही सुंदर वहाँ का व्यू है और वहाँ से रशिया बॉर्डर भी दिखता है ना, रशिया का रेंजेस दिखते हैं पूरे। तो खकेती जो रीजन है ना वहाँ पे पूरा वाइनरी है, पूरा ग्रेप्स की खेती होती है, ऑरेंजेस की भी होती है, ऑरेंजेस की भी होती है। तो यस वहाँ पे हम लोग गए थे क्यूवेवरी होटल जो है तेलावी में, वहाँ पे गए पूरा, वहाँ पे उन्होंने वाइन टेस्टिंग कराया, कैसे वो लोग बनाते हैं सब कुछ ए टू जेड हम लोग ने देखा, टेस्ट करवाया। अनलिमिटेड वाइन टेस्टिंग है, आप लोग कर सकते हो, और जो भी मेन्यू है खाने का वो आपको पे करना है अलग से, उसका इंक्लूडेड नहीं होता। तो हम लोग ने खाया, आराम से रिलैक्स किया एक घंटा पूरा, फोटो वोटो क्लिक की, फिर हम लोग आए वापसी के लिए। हम लोग को 3:30-4 बज गए थे तेलावी में, उस दिन थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि मैं थी वहाँ पे ब्लॉगर, तो उन्होंने पूरा मुझे अच्छे से टाइम दिया था, जो गाइड थी कि आप अच्छे से वीडियो ले लो, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ले लो। उस टाइम मैंने थोड़ा सा टाइम लगा दिया था क्लिक करने में, वीडियो लेने में, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बहुत ही फ्रेंडली है वहाँ के लोग। फिर उसके बाद हम लोग वापसी के लिए आए, तो एक 900 साल पुराना पेड़ भी है वहाँ पे। उस पेड़ का ना बहुत ही मतलब मान्यता है, जो हमारी गाइड थी उन्होंने बोला कि मैं जितने बार आती हूँ मैं हमेशा नया विश ही मांगती हूँ, जो भी आप विश मांगते हो वहाँ पे वो पूरी होती है। बहुत ही बड़ा पेड़ है और 900 साल पुराना है। अगर आपको वहाँ पे स्टे करना है ना तो आप लोग स्टे भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग सजेस्ट करेंगे कि अगर आप डे टूर ले सकते हो तो ले लो। तो यस, ये हमारा डे टूर था। हम लोग शाम को 7:30-8 बजे वापस तो तबिलिसी आ गए थे। उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा जो सिटी राउंड किया, हम दोनों उतरने के बाद सिटी राउंड किया हम लोग ने, एंड खाया अच्छे से, फिर हम लोग बैक टू होटल आ गए थे। ये हमारा 5th डे था पूरा। हम बात कर रहे थे हमारे 6th डे की। 6th डे में हमने डे ट्रिप ही रखा था दोबारा फिर से। अब हम इस बार जा रहे थे हम काजबे की, सेम ही हमने ट्रैवल एजेंट था उसी से हमने करवाया था, और सेम वही बस थी। और सबसे पहले जो हम रुके थे वो था जिन वैली रिजर्वायर, जहाँ पे क्या है कि वहाँ पे पानी स्टोर होता है जो कि मैन मेड ही है, और वो भी बाहर काफ़ी अच्छा जगह है, और वहाँ पर भी जो लोकेशन है वो काफ़ी फोटोजेनिक है, तो वहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह ले सकते हो, कुछ शॉपिंग कर सकते हो, तो उस हिसाब से ठीक है। वैसे 5-10 मिनट का ही है, ज़्यादा कुछ देखने वाला है नहीं है। वो डे ट्रिप में वो दिखाते ही हैं सारा कुछ, दिखाते हैं। 1 घंटे की दूरी पे है। हाँ, 1 घंटे की दूरी पे। जैसे आप तिबलिसी से बाहर जाओगे तो आपको जिन वैली रिजर्वायर दिख जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके बाद आता है अनानूरी, जो कि एक चर्च ही है, वो भी काफ़ी अच्छी जगह है, लोकेशन वाइज भी काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर भी आपको जो गाइड होगा वो सारी आपको डिटेल्स बताएगा, स्टोरी बताएगा। तिबलिसी से काजबेगी करीब करीब 3-4 घंटे का रास्ता है। जो काजबेगी है वो बिल्कुल रशियन बॉर्डर पर पड़ता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन वैली रिजर्वायर आएगा, उसके बाद अनानूरी आता है। अनानूरी के बाद एक जॉर्जियन रशियन एक फ्रेंडशिप सिंबल बना हुआ है, वहाँ पर भी रोकते हैं, जो कि हम आते टाइम रुके थे। वो भी एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत ही ज़्यादा फोटोजेनिक है, और जैसे ही आप वहाँ पर पहुँच जाओगे तो आपको चारों तरफ एक बर्फ़ की पूरी आइस की लेयर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। मोस्टली क्या होता है कि जितनी भी जगह होती हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और वहाँ पे बर्फ़ दिखती हैं। ये इतना एरिया बहुत बड़े पहाड़ तो है ही, साथ में समतल एरिया भी बहुत है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े एरिया में आपको आइस दिखती है। सो तिबलिसी वालों के लिए ये हिल स्टेशन है, वो जैसे सैटरडे संडे होता है वो लोग वहाँ के आगे गदौरी जाके रुक जाते हैं, स्कीइंग करते हैं जब स्नो होता है बहुत ज़्यादा। स्कीइंग आप वहाँ पे कर सकते हो, तो वहाँ पे जितने भी जॉर्जियंस लोग हैं वहाँ पे आके रुकते हैं गदौरी में, आप लोग भी रुक सकते हो अगर आप लोग को रुकना है तो, काफ़ी अच्छी जगह है और बर्फ़ बहुत अच्छी मिल जाती है वहाँ पे। सो यस, नेक्स्ट हम लोग पहुँचे थे मेन जगह। हाँ, इससे पहले रास्ते में वो आपको खाने के लिए भी रोकते हैं, तो आप कोशिश करो ब्रेकफास्ट आप हैवी ब्रेकफास्ट करके जाओ, जिससे आपको ज़्यादा भूख ना लगे और आप कम ऑर्डर करो, क्योंकि अब किसी भी टूरिस्ट प्लेसेस पे जाओगे तो वहाँ पे आपको थोड़े से रेस्टोरेंट एक्सपेंसिव होते ही होते हैं। हालांकि वाइन टेस्टिंग यहाँ पर भी हो रही थी और वाइन टेस्टिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है, तो ये हमें एक अलग से एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा रास्ते में आपको एक दो जगह और रुकवाते हैं, जैसे हनी टेस्टिंग, वो जैसे जैसे इनका होता है वैसे वैसे वो दिखाते हैं, प्लेसेस दिखाते हैं। इसके बाद जो गदौरी आता है, गदौरी के आगे काजबेगी आता है। काजबेगी एक लास्ट स्टेशन है जॉर्जिया का, जहाँ पे आप जाते हो और वहाँ पर रुकते हो। काजबेगी में आप रुकना चाहो तो रुक भी सकते हो, जैसे कि आपको हमने स्टार्टिंग में बताया कि हमने डे ट्रिप किया था और वहाँ से हम वापस आ गए थे, तो नीचे का नज़ारा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे व्यूज़ थे। और इसके बाद वहाँ से आपको अलग से अराउंड 20 लैरी हमने जो लगाया था, और ऊपर 4x4 गाड़ियाँ ही जा सकती हैं, वैसे कोई सिंगल जो गाड़ी हम लेके जहाँ से जा रहे हैं या आप अपनी कार भी लेके जाओगे तो नहीं जा पाओगे, वो बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड एरिया है। जैसे आपने वीडियोस में भी देखा होगा, अगर आप थोड़ा सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा, तो वो करीब 20-25 मिनट का रास्ता है, जो कि गर्गेती ट्रिनिटी चर्च है जो कि बहुत ही ऊपर जाके है, तो वो 20 मिनट का रास्ता है। आप वहाँ पर आप 4-5 लोगों को बिठा के लेके जाते हैं,
10 मिनट के करीब रास्ता है, पर जो भी रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड है, स्टीप है वो, तो उस हिसाब से है। पर ऊपर जो गर्गेती ट्रिनिटी चर्च बनी हुई है वो भी बहुत सुंदर है। पहुंच गए थे ऊपर गर्गेती ट्रिनिटी चर्च, और मतलब ऐसे लगता है कि पूरा सुनसान एरिया है बहुत ही हाइट में, और बस वहाँ पे एक चर्च बना हुआ है। मतलब इतना सुंदर उसका लोकेशन है, मतलब बहुत ही सुंदर। वो हम लोग ने देखा, वहाँ पे वीडियो वीडियोज़ बनाई, क्लिक की, फिर उसके बाद हम लोग वापस बैक टू तिबलिसी आ गए थे। वही 7:30-8 बजे हम लोग वापस हो गए थे। एक वो जो जैसे एक रिवर भी पड़ती है, लाइक देवप्रयाग में, देवप्रयाग में टू रिवर मिक्स होती हैं, वैसे ही यहाँ पे भी होती हैं। उसका नाम थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, दैट इज़ अरागवी रिवर। वो भी वापसी में इन्होंने आके दिखाया था, तो वो देखा था हम लोग ने। फिर हम लोग वापस आए बैक टू तिबलिसी, फिर हम लोग ने डिनर किया एंड बैक टू आवर होटल। ये हमारा 6th डे था। तो अभी हमारा लास्ट डे है, 7th डे है जॉर्जिया में, तिबलिसी में। तिबलिसी से हमने लास्ट डे इसीलिए चूज़ किया क्योंकि यहीं से हमारी फ़्लाइट थी, तो हमें यहीं से जाना था। तो अब जो बात कर लेते हैं, वहाँ पर जो जो जगह रह गई थी हमने घूमी, वो सबसे पहले तो है रुस्ते वैली में। आप जाओ रुस्ते वैली में, शॉपिंग के लिए बहुत सारे ही ऑप्शन हैं। हमने बहुत सारी शॉपिंग रुस्ते वैली में करी है, आपको बहुत सारे स्टोर मिल जाएंगे, बहुत सारी जगह मिल जाएंगी जहाँ पर आप, हाँ जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं खाने की, खाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि एक जोडिया करके रेस्टोरेंट है जो कि काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर आप जाके खाना मिलता है। हाँ, इसके अलावा वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर तो इतना ज़्यादा सभी लोग स्टारबक्स को ही पूछते हैं, पर वहाँ पर जो है ऑप्शन है डंकिन डोनट्स का ऑफर है, तो वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सब कुछ मिलता है। जैसे यहाँ डंकिन डोनट्स में कॉफ़ी और डोनट्स मिलते हैं, पर वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो आप खा सकते हो। ओके, सो फूड हम लोगों ने सबसे ज़्यादा हमारा मेन था क्योंकि वी लव चिकन, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा चिकन ही खाते हैं। तो वो हम लोगों ने पूरा लास्ट डे रखा था कि पूरा एक्सप्लोर करेंगे 7th डे, क्योंकि हमारी 9:30 बजे फ़्लाइट थी रात को, तो हमारा था कि फुल डे हम लोग खाना खाएंगे, मज़े करेंगे, रेस्ट करेंगे, शॉपिंग करेंगे सबके लिए। और बहुत अच्छा शॉपिंग एरिया है रुस्ते वैली एवेन्यू, एंड कॉफ़ीज़ हमने ट्राई की, और एक चिमनी वाला आइसक्रीम था वो ट्राई किया, किंग खाली। वहाँ का जो जो मेन क्यूजीन है वो सारा हमने ट्राई किया है 7 डेज, और मैं नीचे लिंक भी कर दूंगी, अलग से मैंने खाना का बनाया हुआ है। सो यस, 7th डे हमारा यही था। और हमारे कुछ कुछ प्लेसेस हैं जो हम लोग ने छोड़ दिए कि हम लोग को मन नहीं था देखने का, तो वो अब दिशांत बताएंगे कौन कौन सी जगह हम लोग ने छोड़ी है और आप लोग देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी जगह जो हमने नहीं घूमी है पर आप जा सकती हो, क्योंकि वो जगह मेरा अभी भी मन है कि हम वहाँ पे क्यों नहीं गए, पर जितना हमारे पास टाइमिंग थी, जो जो कुछ हम घूम सकते थे वो हमने घूमने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले है होली ट्रिनिटी चर्च, जो कि बहुत ही सुंदर है, फोटोज आपको शो कर देंगे इसमें जैसे दिखती है। और इसके अलावा वहाँ पर सल्फर बाथ बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो हम ओल्ड सिटी सेंटर में रुके थे वहाँ पर ही सल्फर बाथ होती है, तो वो वैसे ही आप देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा, पर छोटे छोटे वो अंडरग्राउंड बने हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा ऊपर से पता चल जाएगा कि ये सल्फर बाथ है, और थोड़ी सी स्मेल भी अजीब सी आती है। तो बहुत सारे लोग स्पेशली सल्फर बाथ के लिए भी जाते हैं, तो ये भी तो करते ही हैं, हम लोग नहीं किया, हमारा मन नहीं था। तो सल्फर बाथ के अलावा, इसके अलावा हम दो तीन जगह और थी, जैसे कि एक तो नेशनल म्यूजियम है, इसके अलावा निको पिरिस्मानी म्यूजियम भी है, थिएटर्स हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो ये जो ऑप्शन थे जो हमने छोड़ दिए, पर आप जरूर जा सकते हो। ये हमारा सारा आइटिनरी था। आई होप कि आप लोग ऐसे घूमो, अगर आपको स्टे करना है खकेती या काजबे की आप लोग कर सकते हो। एंड इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। सो फर्स्ट डे हमारा था डे टूर ऑफ तिबलिसी, सेकंड एंड थर्ड डे हमारा था बटूमी, एंड फोर्थ डे भी हमारा तिबलिसी ही था। फिफ्थ डे था हमारा डे टूर टू खकेती, एंड 6th डे भी हमारा काजबेगी का डे टूर था, 7th डे हमारा तिबलिसी में शॉपिंग एंड फूड टेस्टिंग का था। सो यस, ये हमारा पूरा समराइज हो रखा है, अगर आप लोग को जाना है यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, और जितना टाइम दो 10 दिन इज मैक्सिमम, 7 डेज में आप पूरा घूम सकते हो, और इस आइटनरी को आप शफल भी कर सकते हो, और कुछ भी आपको क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे सभी का रिप्लाई करने की। और आप ज़रूर घूमिए, जॉर्जिया बोरिंग कंट्री नहीं है, बहुत अच्छी कंट्री है, अभी भी हम मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जॉर्जिया जरूर जाइए। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, और कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए कि इस पर आप बनाओ वीडियो, हम वो भी बना देंगे, आप नीचे ऑप्शन ज़रूर दे देना, पूछ लेना। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।